नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसमें आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जबकि मैंने कल ही वीडियो में आपसे कहा था कि इस शेयर में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैंने उसके लिए आपके लिए एक वीक का टाइम दिया है। तो एक वीक तक आप अपने माल को मत बेचिए। अगर आप गिरावट से डर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप अपने पास रखा हुआ खरा सोना बेच रहे हैं सस्ते भाव में। जैसा कि आपको पता है कि सोने के रेट भी गिरते हैं, और ऐसा नहीं है कि सोना खराब हो जाता है या उसमें जंग लग जाती है इसलिए उसका प्राइस गिर जाता है, और ना ही ऐसा होता है कि सोना ज़्यादा चमकने लगता है और उसका प्राइस ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये है स्टॉक मार्केट और वो है रियल वर्ल्ड। तो सभी जगह सेम चीज़ें हमेशा लागू होती हैं और हमेशा आपके लिए देखने को मिलती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपसे क्यों कही कि ये है खरा सोना, और आप अगर सच में करोड़पति बनने के सोच रहे हैं और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हैं वो भी स्टॉक मार्केट से, तो ये समझ लीजिए कि ये करोड़ों रुपए कमाना स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस चीज को इम्पॉसिबल कौन बनाता है? एक चीज है इम्पॉसिबल में से, आप अगर पी निकालें, पी फॉर पेशेंस, पेशेंस आपका इस चीज को इम्पॉसिबल बनाता है। अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है तो आप कोई भी स्टॉक बाय कर लीजिए, बिल्कुल मल्टीबैगर स्टॉक हो, और आप उसी स्टॉक को हल्की भी गिरावट में 2-4 महीने का आपके अंदर जैसे ही पेशेंस टूटेगा आप उसको बेच के चले जाएंगे। बाद में 4-6 सालों के बाद आपको पछतावा होगा, काश मैंने इसको सेल नहीं किया होता, बेचा ना होता और मैं आज करोड़पति बन जाता, या फिर मेरे पास आज लाखों का प्रॉफिट होता। तो वही चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, IRFC अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से आपके लिए एक पेनी स्टॉक दिखाई देता है, और अभी IRFC जब से मार्केट में आया है आपको सीधा डाउनफॉल ही देखने को मिला है। लेकिन बीच बीच में आपके लिए कुछ टाइम बाद जब ये 20 रुपये 80-90 पैसा से आपके लिए ऊपर की तरफ बढ़ा, और 21 रुपए के लेवल से सीधा आपके लिए जंप करते हुए 23 रुपए के ऊपर जा करके बैठ गया, तो वहां से आपको एक बार उम्मीद लगी और वहां बड़ी बाइंग होने लगी। लेकिन जैसे ये वापस स्टेबल हुआ वैसे ही वापस से लोगों के मन में डर आ गया, जो कि अभी आपके मन में भी है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि जैसा कि मैक्सिमम चार्ट में आपको दिख रहा है, इस शेयर को आए हुए अभी कितना वक्त हुआ है, पहले चीज आप यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए। जनवरी से स्टार्ट होके और अभी जून शुरू हुआ है, अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हैं 6 महीने मान लीजिए, वैसे 6 महीने नहीं हुए हैं, बट 6 महीनों के अंदर ही आपका पेशेंस खत्म हो गया। और बल्कि ऐसा नहीं है ये कंपनी पैनी स्टॉक बन गया है। देखिए, एक शेयर होता है जो कंपनी नई स्टार्ट होती है और वो मार्केट में लिस्ट होती है तो इस प्राइस से धीरे धीरे ऊपर जाती है, नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। और एक पेन स्टॉक होता है जो पहले एक टाइम इस लेवल पे होता है, फिर वहां से गिर के इस प्राइस पे नाचता है। तो आपको वो सारे पेन स्टॉक अच्छे लगते हैं जो यहां पर मिलते हैं यहां से आने के बाद, लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए, इसे अभी आए हुए मार्केट में 6 मंथ हुए हैं और 6 महीने में आपका पेशेंस खत्म हो रहा है पूरी तरह से। और बल्कि कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट का पूरी तरह से सपोर्ट है, इंडियन रेलवे इसको ओन करती है, तो आपके लिए एक चीज समझना चाहिए, एक तरह की बैंक है। अब यहाँ पर कुछ एक आपके मन में ये भी होगा, कंपनी की बात करें तो कंपनी पर कर्ज नहीं है, शॉर्ट टर्म का कर्ज है और उसे हम कर्ज नहीं कह सकते हैं, उसकी वजह पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि IRFC का जो बिजनेस है, IRFC एक तरह की बैंक है लेकिन इस पर कोई भी NPA नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इनका जो भी है अपना पैसा लोन पर देते हैं इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे एक ट्रस्टेड चीज है इंडिया की और सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है पब्लिक रेलवे पे। कहीं अगर जाना होता है तो उसे ये भरोसा होता है कि इंडियन रेलवे हमें सेफ वहां तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, और
कभी कभी लेट भी पहुंचाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अगली बार ट्रेन में नहीं बैठते हैं। अब इन सब बातें आप बोलेंगे फालतू की फर्जी बातें पक रहा है यहाँ पर और काम की बात नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कुछ सीखना है मार्केट से तो आपको हमेशा अपना टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, और जब तक सीख नहीं पाएंगे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और फिर आप अपना लॉस ही करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें सीखने के लिए, कभी कभी न्यूज़ से ज़्यादा सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप सीख जाएंगे तो न्यूज़ की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इंडियन रेलवे पर जब इतना पब्लिक भरोसा करती है तो आप ये स्टॉक पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा लेते हैं दूसरी कंपनी से और उठा के दूसरी कंपनी को दे देते हैं। इनसे इसने 10 रुपये लिए और इसको उठा के 10 रुपये दे दिए, तो बीच में जो इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पे किया और इन्होंने इन्हें पे किया, तो उसमें बीच में जो इंटरेस्ट बचा वही इनका प्रॉफिट है। तो इस तरह से हम इसे नहीं कह सकते कि इस पे कर्ज है, वही कर्ज होता है जो शॉर्ट टर्म में ये दूसरे से उठा के तीसरे को देते हैं। तो यही इनका मेन बिजनेस है, जहां पर आपके लिए सबसे बड़ी सियोरिटी है कि ये गवर्नमेंट टेकिंग कंपनी है, और जब तक गवर्नमेंट का इसके पास अंडरटेकिंग रहेगी, गवर्नमेंट की मेजोरिटी रहने वाली यहां पर, तब तक आपके लिए एक चीज क्लियर कट है, वो है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्लियर कट क्यों है? क्योंकि जितने भी आप पीएसयू सेक्टर की कंपनियां देखेंगे तो उनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट तौर पे पैसा नहीं ले सकती कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, ये 100 करोड़ में से 90 करोड़ भी हमें निकाल के दे दो, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस गवर्नमेंट ने करा है। तो गवर्नमेंट के लिए कंपनियां पैसा देने का सबसे अच्छा तरीका समझती हैं वो है डिविडेंड। डिविडेंड के तौर पे ये पैसा गवर्नमेंट को पे करते हैं, साथ ही साथ उनके शेयर होल्डर्स के पास भी ये डिविडेंड जाता है। जैसा कि अभी आपने देख लिया IRCON, ये भी तो एक इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड कंपनी है और आपके लिए देखने को मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है और इन्होंने अभी आपके लिए रिसेंटली बोनस दिया है। बेशक कंपनी ने परफॉर्म इतना बेहतर नहीं किया जब से मार्केट में आई है, लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं कि डिविडेंड मिला है, बोनस मिला है और आपके लिए सेम RBNL। तो RBNL में अब OFS खत्म हो गया है, IRCON में भी OFS खत्म हो चुका है, ऐसे ही कुछ वक्त बाद IRFC में भी जो आपका OFS आएगा वो भी एक बार टाइम बाद निकल जाएगा। उसके बाद आप इस शेयर से एक लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलेंगे, तभी आप इससे मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप टाइटन की बात करें तो टाइटन से देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने एक दिन में पैसा नहीं बना लिया, एक साल में पैसा नहीं बना लिया, दो साल में पैसा नहीं बना लिया, उन्होंने इसके लिए टाइम दिया। टाइटन में उन्होंने टाइम दिया, अपना पैसा लगाते गए, और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3 रुपए से लगाना शुरू किया तो कभी स्टॉक नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर वो किसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो वो स्टॉक जरूर ऊपर की तरफ चलेगा थोड़ा, क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है, अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने किसी शेयर पे पैसा लगाया तो वो एक मल्टीबैगर शेयर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर कोई भी बड़ा आदमी किसी स्टॉक में पैसा लगा दे तो वो 100% मल्टीबैगर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कंपनी की, ना कि आपने उसमें जितना पैसा लगाया है उस चीज की। कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, तो यही चीज आपसे कहना चाहूंगा। अगर IRFC गिर रहा है आप उसे गिरने दीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में भी देखेंगे तो 55% से ज्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि आपको साफ सीधा साइन दिख रहा है कि IRFC को लेने के लिए लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और ये इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। Q4 का रिजल्ट आपको जून मंथ के 2nd-3rd week में देखने को मिलेगा। 3rd week के टाइम ये जब रिजल्ट आएगा तब आपको IRFC में रियल तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहीं से इनका मेन अभी पॉइंट रुका हुआ है। IRFC का रिजल्ट आने में देरी है, क्योंकि पिछली बार भी इनका रिजल्ट देर से ही आया था। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अपना पेशेंस हार जाते हैं तो आप यहाँ पर लॉस ही करने वाले हैं, और IRFC एक रियल में मल्टीबैगर शेयर है, करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है।